पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। उत्तर भारत में फिर ठंड में इजाफा हुआ है। कई जगहों पर पारा लुढ़क गया है तो कहीं शीतलहर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह से ही बादलों के साथ कोहरा छाने वाला है, वहीं रात में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पारा गिरने से ठंड बढ़ गई है। आईएमडी की ताजा अपडेट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 48 घंटे में मौसम में तेज बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य के कई शहरों में झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बारिश से ठंड में और इजाफा होगा, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। जैसे बारिश हुई है, उसके बाद क्या लग रहा है फर्क? सर, उसके बाद ये बारिश तो हुई है, मतलब ठंड है अभी, मतलब बराबर पेड़ों पर ठंड है, मतलब इतना है, मतलब हाथ तापने वाली ठंड है अब भी। जी, तो कितने जो कोहरा हो रहा था उससे कहीं थोड़ा सा राहत मिली है? थोड़ी बहुत राहत मिली है, ज्यादा नहीं मिली। जी, तो जब रात को आप किसी भी काम से निकलते हैं तो और क्या करते हैं? आग तो ताप ही रहे, और क्या फिर कैसे बचते हैं, बचाते हैं खुद को? सर, अलाव मिल जाए वगैरह? सर, जैसे आग जल जाए तो यहाँ बैठ जाते हैं, हाथ पास सेक लेते हैं, इतनी राहत मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। हम यहाँ पे 4 दिन हो गए आ गए, हम पुणे से हैं, तो हम यहाँ पे भारत मोबिलिटी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जब आए तो काफी कोहरा था, काफी ठंडी थी। हम जब पूना के और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो पूना में थोड़ा सा कम था, इतना ये नहीं था, 18-20-22 था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आते 10 से के इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ तो थोड़ी तकलीफ हुई, थोड़ा सा अच्छा भी लगा, और बहुत ज्यादा कोहरा और ये था तो अच्छा लगा उस वक्त। आज जिस तरह से साफ है तो दोनों तकलीफ कहीं ना कहीं दूर है, लेकिन सर्दी जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, कल के मायने में आज थोड़ी ठंडी कम है, और कोहरा तो खुला हुआ है पूरा आसमान। हम तो सोचे थोड़ा सा फोटोग्राफी करेंगे कोहरे में, लेकिन आज तो पूरा खुला है।